अगर आप भी इस भयंकर गर्मी में रोज रोज सब्जी रोटी बनाकर बोर हो गए हैं तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेसन और ढेर सारी सब्जियों से बना हुआ एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, जिसे आप अपने बच्चों के टिफिन में दीजिए, ब्रेकफास्ट में बनाइए या फिर डिनर में बनाइए। आपके घर में इसे सबको बहुत पसंद आएगा और आप सब्जी रोटी बनाने से भी बच जाएंगे। और इसके साथ ही मैं बनाऊंगी धनिया पुदीना की एक ऐसी तीखी और चटपटी सी चटनी जो इस रेसिपी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बना कर देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिया है एक मिक्सिंग बाउल, जिसमें हम लेंगे लगभग 2 कटोरी के करीब बेसन। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी बेसन लिया है, आप अपने घर के सदस्य के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 कटोरी हमने रखा है आटा, तो आप केवल इसे बेसन से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसन से ये थोड़ा हैवी ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा भी यूज़ किया है। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन ज़रूर से डालिएगा फ्रेंड्स, अजवाइन का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है। बस अब हमें इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स करते जाना है और इसका एक लम्स फ्री घोल बना लेना है। तो इसमें हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसे इस तरीके से घुमाते जाएंगे, जिससे हमारा एक घोल बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसमें हमें पानी धीरे धीरे डालना है, एक बार में हम सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट और लम्स फ्री बैटर तैयार है, इसमें देखिए कोई भी गुठलियाँ नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारी सब्जी, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ और 1 लिया है बड़ा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, और इसके साथ ही हमने ऐड किया है 2 छोटे टमाटर, वो भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। तो इसके बाद हमने डाला है 1 हरी मिर्च बारीक कुटी हुई और थोड़ा सा डाला है हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसमें आप सब्जी अपने पसंद के और अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें आप बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, मेथी की पत्ती अगर हो ना, हरी वाली मेथी भी यूज कर सकते हैं। तो जो सब्जी आपके पास रखी हुई हो या फिर जो आपके घर में लोग पसंद करते हो, आप सारी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा बैटर तैयार हो गया है, अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे नमक। तो मैंने यहाँ 2 छोटा चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। बस फिर से हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और ये देखिए हमारा बैटर बनकर रेडी है। तो पानी भी आप इसमें कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मुझे इस कंसिस्टेंसी में ठीक लग रहा है, तो अब हम इसे रखेंगे साइड में और आइए तब तक हम अपनी चटनी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो हम यहाँ धनिया पुदीना की चटनी बना रहे हैं, तो जिसके लिए हमने यहाँ लिया है 1 छोटी कटोरी पुदीना की पत्ती और इसके साथ ही हमने डाला है 1 बड़ी कटोरी धनिया की पत्ती। तो फ्रेंड्स आप जितना धनिया रखिएगा उसका 1/4 पार्ट पुदीना रखिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पुदीना डालेंगे तो चटनी जो है ना थोड़ी कड़वी सी लगेगी। तो इसके बाद हमने इसमें डाला है 5-6 हरी मिर्च मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और ये थोड़ा कम तीखी वाली है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, तो तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमने लिया है 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा मोटा मोटा कटा हुआ और 1 छोटा प्याज लिया है। तो अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खाते होंगे तो प्याज ज़रूर ऐड करिएगा, प्याज का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही हमने डाला है 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1 बड़ा चम्मच हमने डाला है चना, जिसका हमने छिलका निकाल लिया है। चने से ना इसमें काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आती है, तो और जिससे हमारे जो चटनी है ना वो थोड़ी थिक रहती है, तो आप चने की जगह चने का दाल भी यूज कर सकते हैं। तो बस इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इसमें पानी डालेंगे और इसे मिक्सर में घुमा लेंगे। ये देखिए चटनी हमारी तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस, जिससे इसमें थोड़ा सा खट्टापन भी आएगा। तो लीजिए तैयार है हमारी धनिया पुदीना की खट्टी और तीखी सी चटनी। तो आइए अब हम अपने बैटर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने तवा लिया है, जिसे हमें धीमी आंच पे गरम कर लिया है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और जो अपना बैटर है ना उसको इस पे तवे पे फैला देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसे फैला देंगे और आंच को हमने मीडियम टू लो रखना है, तेज आंच पे हम इसे नहीं बनाएंगे।
तो ये देखिए, आप इसे मोटा पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इसे धीमी आंच में हमें पकने देना है, और जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा ना, फिर हमें इसे पलट देना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल किनारे किनारे लगाएंगे, और थोड़ा सा ऊपर भी तेल लगाएंगे इसके, जिससे जब हम पलटेंगे ना तो ये अंदर भी सिक जाए अच्छा सा। तो अब हम इसे पलट देंगे और इसे ऐसे दबाते हुए घुमाते हुए सेक लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे उलट पलट के मीडियम टू लो आंच पे सेक लिया है। तो लग रहा है ना एकदम पराठे जैसा ये। तो इसमें हमें ना सब्जी बनाने का झंझट और ना ही आटा गूंथने का झंझट। आप इसे बच्चों के टिफिन में दीजिए या फिर ब्रेकफास्ट डिनर कभी भी बनाइए, ये एकदम हेल्दी और टेस्टी लगता है। तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये इस रेसिपी को कभी ट्राई किया है या नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल वेज एंड स्पाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।